नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्राओं के नहाने का वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला पूरे देश में तूल पकड़ते जा रहा है। खबरें आ रही है विश्वविद्यालय की, जहां पे छात्राओं को विदेशी नंबरों से धमकियां दी जा रही है। धमकियों में कहा जा रहा है कि उनका वीडियो भी उनके पास है, उसे वायरल कर देंगे। ऐसे मामले हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी शिकायत कहां दर्ज करवानी चाहिए, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। केवल साल 2001 में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम के 10,000 से ज्यादा मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि पिछले 4 साल में ऐसे मामलों की संख्या 77% तक बढ़ी है। क्या कहता है स्त्री असिस्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यानी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब महिला के सामान्य फोटो को एडिट कर उसको अश्लील बनाया जाए तो क्या करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी महिला की फोटो को एडिट कर अश्लील बनाया जाता है तथा उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। ऐसे अपराधों के खिलाफ स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। सोशल मीडिया पर बढ़ रहे इन अपराधों के लिए आईटी एक्ट 2000 में भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। धारा 66 किसी व्यक्ति की निजी फोटो उसकी सहमति के बिना खींचना, किसी और को भेजना, प्रकाशित करना आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एक अपराध है, जिसमें दंडनात्मक कार्रवाई करते हुए 3 साल का कारावास और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन या सोशल मीडिया पर वायरल करना, इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की अश्लील सामग्री सोशल मीडिया, ईमेल, एमएमएस, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भेजता है तो उस पर अपराध की धारा 67 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें 5 साल का कारावास और 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना है। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता 1860। यदि किसी महिला को उसकी अश्लील फोटो या वीडियो के आधार पर सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकती है और इसमें आईपीसी की धारा 354A के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें 3 साल तक कठोर कारावास और अर्थदंड या दोनों लगाया जा सकता है। यदि किसी महिला को नहाते या कपड़े बदलते या फिर उसे निर्वस्त्र देखने, फोटो खींचना आदि आपराधिक गतिविधियों की धारा 354C की श्रेणी में आता है, जिसमें अपराधी को 1 से 3 साल तक का कारावास और जुर्माना झेलना पड़ सकता है। दोबारा यह अपराध किए जाने की स्थिति में 3 से 7 साल का कारावास और जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि कोई महिला अपनी निजी फोटो खींचने की सहमति तो देती है परंतु लोगों के बीच प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देती है और फिर भी कोई प्रकाशित करता है तो वो भी इस धारा के अधीन अपराध कहलाता है और उसे भी इसी दंडनात्मक कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। क्या कहता है पॉक्सो एक्ट 2012। यदि ऐसा अपराध 18 साल से कम आयु वाली बालिकाओं के साथ किया जाता है तो इस अपराध को पॉक्सो एक्ट के तहत रखा जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों को भी कठोर किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई फाइल प्राप्त करता है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानता है जिसके पास ऐसी फाइल हो या वो इन्हें अन्य लोगों को भेज रहा हो या भेज सकता हो, उसके संबंध में विशेष किशोर पुलिस इकाई या साइबर क्राइम यूनिट cybercrime.gov.in को सूचित करना चाहिए। यह अधिनियम बहुत ही कठोर है तथा बालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है। ऐसे अपराधों से कैसे बचा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे अपराधों से बचने के लिए महिलाओं को सतर्क होना जरूरी है। यदि किसी महिला को ऐसे अपराध से संबंधित धमकियां मिल रही हैं, तो अपने परिजनों को और मित्रों को उसे अवश्य रूप से इसके बारे में बताना चाहिए। ऑनलाइन डेटिंग ऐप और सेक्स चैट से दूरी बनानी चाहिए। अपने निजी फोटो खींचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सार्वजनिक स्थान, होटल, टॉयलेट आदि में रुकने से पहले अच्छे से देख लें कि उसमें कोई स्पाई कैम तो नहीं लगा है। सबसे अच्छा तरीका
इसमें ये है कि आप इस अपराध से बचने के लिए FIR दर्ज करा सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि FIR करवाना है तो समाज में बदनामी भी हो सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रक्रिया अधिकतर गोपनीय रखी जाती है तथा इसको किसी भी समाचार पत्र में नाम तथा पते के साथ छापने का अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी भी स्त्री की छवि को धूमिल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कि आप इस तरह की शिकायतों को कैसे और कहां कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शिकायत करने के लिए एविडेंस की आवश्यकता होती है। आपके साक्ष्य जितने मजबूत होंगे आपका केस उतना ही मजबूत होगा। जिस व्यक्ति का नंबर, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आदि के द्वारा आपको धमकी दी जा रही है, सबसे पहले उसका नंबर, स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि एकत्र करके अपने साक्ष्यों को बटोरा जाए। ऐसे अपराधों को कई बार अनजान व्यक्तियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है, जिनसे आपको परिचित होना भी बहुत जरूरी है, या आप उनसे नहीं भी परिचित होते हैं तो भी सावधान रहें। आप ऐसे व्यक्तियों की शिकायत उनके प्राप्त मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप और फेसबुक चैट के आधार पर कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मामलों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो के जरिए हमने आपको दिखाया। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV24।